स्वस्थ होंगे। आज हम जो है पाठचार आरोपा पाठचार रणवीर साहब का कैमरे में बदला बाहि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि है कि आपको बताया जा रहा है कि लेखक परिचय या कवि परिचय और एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले रणवीर साहब का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। मतलब कवि परिचय उनका जन्म रचनाएं प्रमुख रचनाएं होती है और जो कोई प्रमुख सम्मान होता है और फिर निधान अगर उनका हो चुका है तो मेन चीजें तीन दो तीन चीजें में पढ़नी होती है। तो सबसे पहले है जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 1929 लखनऊ में। फिर है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दूसरा शतक, आरंभिक कविताएं, सिंधु पर धूप में आदि। कि हमें कुछ मुख्य रचनाएं उनकी मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली की भाषा थी इनकी। और इन्हें सम्मान कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। इनका निधन 1990 में सन में दिल्ली में हुआ था। अब जो इनका चैप्टर है, इनका चैप्टर है कैमरे में बंद बाहिस। तो हम इसमें पहले थोड़ी सी आपको पूरी लाइनें लिख रखी है, आप लोग अपनी बुक भी खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो है सबसे पहले इसका एक सार कि मतलब कविता का क्या सार है, तो इसमें है देखिए आपको पता चल रहा है कि कैमरे में बंद बाहिस की मतलब किसी मीडिया वाले के ऊपर बात हो रही है, जो दूरदर्शन में प्रोग्राम दिखाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यह दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया इस कविता में। जो दूरदर्शन के कर्मी होते हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अधिकतर मीडिया के कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है कि मतलब किसी भी अपंग पाइलेट को जाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे और उसको दिखाया जाता है, उसके दुख को कुरेदा जाता है कि चाहे 8 दिन हो गए 10 दिन हो गए उसके दुख को कुरेदा जाता है। तो उसको खोलकर दिखाना हो गया अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े बड़े कहते हैं ना खोलकर दिखाया जाता है क्रूर जो उनको दुख देने वाले हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मीडिया की कोशिश होती है कि वो जो है जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछता है कि वो अपाहिज हो पड़े और जो आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको दुख को अपने आसा मान के आप भी रो पड़े। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो जो है कार्यक्रम रोचक बन जाता है और उसको वेबसाइट पर मिल जाती है, लोग उसे देखते हैं बात करते हैं उसके बारे में। तो इसी क्रूरता को दिखाया गया है इसमें। देखिए सबसे पहले है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक दंगल में। तो इसमें जो दूरदर्शन का संचालक होता है वो खुद को समर्थ शक्तिवान समझता है और जो है वो जानबूझकर संचालक क्या कहता है कि हम दूरदर्शन पर एक अपाहिज को लाएंगे। है ना, हम समर्थ शक्तिमान, अपने आप को बहुत शक्तिमान समझता है, समर्थ समझता है, वो सोचता है कि हम अपनी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता पाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बल बनने में कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को एक कैंप के सामने लेकर बैठा देंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, देखिए उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज है, ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आपका पहस बंद तो दुख देता होगा? देता है कि मतलब आपका पहस में आप अपाहिज हैं तो आपको परेशानी होती है, काम करने में लोग आपको बार बार टोकते होंगे, काटते होंगे, किसी किसी तरीके से दुख देता है। फिर उससे पूछने में दुख देता है कि मतलब और ज्यादा उसे उत्साहेंगे कि उसे परेशानी से महसूस हो। हाँ उसमें मुझको से याद है कैमरा, उसे कैमरे में लोग दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके कि मतलब इसको बड़ा करके दिखाओ कि किस तरीके से ये अपाहिज है, तो हाथ नहीं है पैर नहीं है, उसी अंगों को बार बार दिखाओ जिससे कि जो है दर्शक पर इसका प्रभाव पड़े, जो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को उसके ऊपर इसका असर होना पड़े। इसके तो हाथ नहीं है, ये है कैसे करता होगा करता हो, तो वही चीज उसको कुरेदने की कोशिश की जाएगी। हाँ तो बताइए आपका क्या दुख है, फिर उसे पूछे बताओ आपको क्या परेशानी है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा कि बार बार उससे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बताएंगे बताइए क्या दुख है आपको, और फिर वो जो है बता नहीं पाएगा क्योंकि बैठा है वो दुख में, खुद ही नहीं उसे समझ में आएगा कि मुझे क्या कहना है। फिर नेट पर रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठेगा, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, तो कहेगा बार बार वही चीज पूछी जाएगी, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, मतलब परेशानी होती होगी, लोग कुछ कहते होंगे, आपको अजीब लगता होगा, किसी से अपना काम कराते होंगे तो आपको भी बुरा लगता होगा। हम फिर वो जो है जो संचालक है वो खुद इशारे से बताएगा कि ऐसा लगता होगा कि हम किसी से काम करा रहे हैं तो हम उसके इंतजार में बैठे रहते हैं, किसी की खुशामद करनी पड़ती होगी कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते तो तुम ही कर दो, तो वो सब इशारों से बताएगा। सोचिए बताइए,
थोड़ी कोशिश करिए, फिर बाद उससे जो जब वो कुछ नहीं बोलेगा तो उसे कहेंगे सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश तो करिए बताइए, फिर वो है ये असर आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये असर आप खो देंगे, आप अपनी जो है जो दुख है आपको वो बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उससे रो पड़ने का करते हैं। अभी देखिए कि मतलब है कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए जैसे कि सब लोग देखें तो क्या करेंगे कि जो है उसे क्वेश्चन पूछ पूछ के जिससे उसका दुख बढ़ता जाए, तो हम उसे रुला देंगे। कहते हैं बहुत से कई बार ऐसा होता है कि कोई थोड़ा सा दुख में है तो अगर आप उससे पूछेंगे और कुछ करेंगे तो वो रो पड़ता है, तो उसी तरीके से उसे रुलाने की कोशिश करेंगे और आप भी इंतजार करते, देखने वाले भी इंतजार की, आप लोग भी देखने वाले भी इंतजार करते, वो रोएगा अगर वो और आप दोनों रो पड़ते हैं, दोनों रो पड़ने का इंतजार करते हैं, अगर दोनों ही रो पड़ते हैं तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। तो ये प्रश्न उनसे पूछा नहीं जाएगा कि मतलब कि इंतजार कर रहे हैं, मतलब दर्शकों से क्वेश्चन ये है कि आप भी इसका रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं कि आप रोने का इंतजार कर रहे हैं, प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसलिए चीजें कुछ चीजें प्रेरित करना। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आम की बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके फोटो पर एक कस्मा सा पट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है हम पर्दे पर एक बड़ी सी आम दिखाएंगे सूजी हुई सी, जिससे कि और उसके रोड पे जैसे बस का रोड पड़ेंगे अभी होगा तो थोड़ी सी आप उसकी परेशानी को समझ। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक सन बनाने हैं आप और बेहतर, तो दे दिया ना यहाँ पर कि मतलब एक और कोशिश करता है कि किस तरीके से हो जाए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है कि वो कोशिश करते हैं, संपादक जो है कहता है कि हम कोशिश करते हैं कि आप और दर्शक जो है वो अपंग व्यक्ति और आप लोग दोनों को एक साथ हो। फिर उसके बाद होते हैं नहीं रो पाते तो क्या है कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये चीजें ब्रैकेट में उसे इशारे से कहते हैं कि बस करो नहीं हो पा रहा है और पर्दे पर तो कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, उसके बाद फिर वो कहेगा देखिए कि हम आपको सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखा रहे थे, आशा है आपको जो को पसंद आया होगा और बस थोड़ी देर की ही कसर रह गई थी, फिर बाद में हम अपने आप बोलेगा बस जरा सी देर की कसर रह गई थी, ये रोने वाला था और दर्शक भी देखने वाले भी रोते, वो धन्यवाद कार्यक्रम का शुक्र धन्यवाद अदा कर देगा। तो देखिए ये चैप्टर आपको बिल्कुल सिंपल है, इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कैमरे के बारे में संपादक कोशिश कर रहा है अपाहिज व्यक्ति को सामने लाने में, इसमें यही तो क्रूरता दिखाई गई है, इसमें जो क्रूरता है किसकी दिखाई गई है, दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता और क्रूरता पर ही को ही दिखाया गया है कि कितने क्रूर होते हैं जो मीडिया के लोग होते हैं कि किसी एक प्रोग्राम को किसी एक अपाहिज को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं केवल इसलिए धन कमाने के लिए कि वो जो है प्रसिद्ध हो जाए, उसके कार्यक्रम देखे जाए, यही चीज तो है सब इसमें। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।